हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत DSR फॉर यू में आप लोगों के लिए आज कक्षा 8वीं का जो प्रतिभा पर्व हो रहे हैं 2021-22 के, उसका गणित विषय का मैं आप लोगों के लिए यहां प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हूं। बच्चों, बहुत अच्छे से समझ करके आपको इस वीडियो को देखना है और इसको आपको अपनी कॉपी में भी सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें, निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, कक्षा भरनी है, कक्षा 8वीं, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का यहाँ पे आप नाम भर दीजिएगा। फिर यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। बात करते हैं हम अपने प्रश्न पत्र की, तो इसमें बच्चों दो खंड है, खंड आ खंड बा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड आ ये दिया हुआ है और इसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरे प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं और इसको लास्ट में आपको पूरा हल कर देना है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से समझ करके आपको इसको देख लेना है। पहला प्रश्न है आपका कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, इसको कैसे हल करना है आप देख लें, बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये है पूरा प्रश्न आपके सामने, ये आया है यहाँ पे प्रश्न, देख लें। देखें, पहले वाला प्रश्न जो है बच्चों, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा था इसमें, -8 का -1 में गुणा करना। तो जब बच्चों क्या होता है, माइनस का माइनस में इनटू होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है, ऋण और ऋण का धन हो जाता है। तो ऋण और ऋण हो गए धन, 8 का 1 में गुणा हुआ, 8 एकम 8, तो उत्तर आया ए वाला ऑप्शन जो है आपका 8। तो आप यहाँ पे ये ए वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है और यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा ए, ऐसा करके आपको लिख देना है 8, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम क्या होता है, फिर से यहाँ देखें आप इस पेज में, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 5/9 को गुणा करना है 3/5 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो ये 3/5 रहा, ये हो गया 5/3। अब 5 का 5 में गुणा होगा और 9 का 3 में गुणा होगा, 5 का जब 5 में गुणा हुआ तो 5×25 और 9 का 3 में 9×3=27, तो उत्तर आ जाएगा 25/27, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको भी यहाँ पर आप लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी और यहाँ पर आप सी करके लिख दीजिएगा 25/27। इसके बाद हम अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, 3^0 + 2^0 गुणित 5^0 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो देखें आप, सबसे पहले ये है पूरा आपके सामने यहाँ उत्तर, 3^0 + 2^0 गुणित 5^0। अब आपको एक बात बताएं, अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है, जैसे x के ऊपर 0 की घात, तो इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये था 3^0, तो यहाँ 1 आ गया, 2^0 तो यहाँ 1 आ गया और 5^0 तो यहाँ 1 आ गया। तो 1 + 1 = 1, 1 और 1 हो गए 2 और उसका जब 1 में गुणा हुआ तो आ गया 2, तो उत्तर आ जाएगा बच्चों इसका सी वाला। सेम आपको यहाँ पे भी लिख देना है सी वाला ऑप्शन, ये 2 आ जाएगा। फिर चौथा है, 8x/9, 5x/9 इसको घटाना है। तो देखें इसको कैसे हल करेंगे आप लोग, ये लिखा हुआ है 8x/9 - 5x/9, इसको कैसे हल करेंगे। चूंकि देखिए नीचे जो है ये ऊपर का अंश कहलाता, नीचे वाला हर कहलाता। जब किसी सवाल में हर के मान 1 से हो, जैसे यहाँ दोनों में 9 था, तो इसको एक बार लिख दिया जाएगा। ऊपर की संख्या 8x, माइनस तो माइनस, 5x तो 5x, 8x में से 5x गए तो बचे बच्चों 3x, 3x ऊपर आ गया और नीचे 9 था। अब यहाँ काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ऊपर बचा x और नीचे आ गया 3, तो ये आ गया x/3। तो इसका उत्तर होगा डी वाला, x/3 आपको यहां पे लिख देना है, जो कि अपना डी वाला ऑप्शन होगा x/3। पांचवा है, 1 न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा। तो देखें आप, सबसे पहले बच्चों, यदि किन्हीं 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो इस प्रकार के कोण को हम संपूरक कोण कहते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है बच्चों, जो 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण होता है। मान लो यहाँ पे जो न्यून कोण का मान था इस प्रश्न में वो था 40 अंश, ठीक है। अब इसका संपूरक निकालना है तो हमें क्या लाना है, टोटल 180 लेके आना। तो 40 में क्या जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 140 जोड़ना पड़ेगा, 40 और 140 हो जाएगा 180। और जो 140 अंश है बच्चों, ये 90 से अधिक का है, तो जो कोण 90 अंश से अधिक का होता है वो अधिक कोण कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा सी वाला, अधिक कोण। तो आपको यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो लिख करके यहाँ पे लिख देना है अधिक कोण। बच्चों, मैं आप लोगों को समझाते भी जा
रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना भी है इन प्रश्नों को। ये नहीं कि केवल आप हल कर दें सीधे। बात करते हैं बच्चों छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न देख लें आप लोग, लिखा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का माप 47 अंश, आर का माप 52 अंश, तो कोण पी का माप क्या होगा। देखें इस तरीके का ये प्रश्न है, इसका मैंने यहाँ एक चित्र डिजाइन किया है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये बना लिया हमने पी क्यू आर। अब क्यू का मान था 47 अंश, आर का मान था 52 अंश, तो हमने यहाँ रख दिए तीनों कोणों का योग कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर बराबर 180 अंश। कोण पी का मान नहीं मालूम था, कोण क्यू का मान 47, कोण आर का मान 52 अंश बराबर 180 अंश। 47 और 52 जोड़े तो 99 आ गया, 99 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ से हमने 99 का पक्षांतर कर दिए। जब इस तरह पाए 99 तो प्लस था तो हो गया माइनस, तो 180 में से 99 गए तो बचे 81 अंश। तो कोण पी का मान आ गया बच्चों 81 अंश। तो इसका उत्तर आप बी वाला लगा लें, 81 डिग्री, मतलब कि 81 अंश। ये बी वाला आपको यहाँ पर लिख देना है, बी 81 डिग्री। इसके बाद सातवें प्रश्न को देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, तो भुजा AB की संगत भुजा कौन सी होगी। देखें यहाँ फिर से मैंने एक आकृति डिजाइन की है। यहाँ दो त्रिभुज थे, एक ABC था एक PQR था। अब ये बोल रहे थे ABC सेम टू सेम पूरा पूरा PQR के जैसा है, मतलब सर्वांग सम है PQR के। तो ये बोल रहे हैं AB के बराबर कौन सी भुजा आएगी। तो देखो यहाँ AB के जैसी कौन सी भुजा मिल रही है आपको, ये मिल रही है हमें PQ। AB के जैसे दिख रही है ना, तो आप उत्तर में लिख देंगे AB के बराबर PQ। तो उत्तर आ जाएगा ए वाला PQ पर ये रेखा बना देना, ये हो गई समांतर इसी के जैसे संगत भुजा। तो ये वाला ऑप्शन ए वाला आप लगा लीजिएगा, PQ ये वाला। अब बच्चों आठवां प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39, 45 हैं, तो आपको इसकी मध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले आपको कैसे निकाली जाती है मध्यिका देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये आंकड़े दिए थे इनको अवरोही क्रम में जमा देना है। जमा दोगे आप, अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं था बच्चों। देखें आप प्रश्न में ये देखिए अलग अलग मान दिए थे आगे पीछे, तो इनको पहले आप एक क्रम में जमाएं। अब मध्यिका का आप लगा देंगे सूत्र फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखें इसका मान देखें 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, मतलब n का मान 5 है। तो मध्यिका का सूत्र लगाएंगे, मध्यिका बराबर होता n धन 1/2 व पद। n का मान था 5 तो 5 रख दो, 5 धन 1/2 व पद, 5 और 1 होगा 6/2 व पद, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 इतिहाई 6, तो 3 व पद मतलब तीसरा पद। तो तीसरे नंबर पर कौन है यहाँ पे 36। तो आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों बी वाला 36। आप यहाँ पे ये जो बी वाला ऑप्शन है इसको आपको लिख देना है, उत्तर आ जाएगा 36। अब यहाँ पे थोड़ी से बड़े प्रश्न प्रारंभ हुए, लघुत्तरीय प्रश्न है। जो 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों प्रतिशत में बदलना, आपको हम बताएं यहाँ पे। देखें बच्चों 3/4 को प्रतिशत में बदलना था, नौवां प्रश्न था। तो 3/4 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कुछ नहीं करना है, प्रतिशत में बदलने क्या करते हैं, 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो 3/4 × 100। अब इस 4 को इस 100 से भाग दे दें, मतलब 100 में 4 का भाग दे दें, तो कितनी बार जाएगा, 4 × 2 = 8, बचा कितना 2, 0 तो 0, 4 × 5 = 20, तो ये कट गया यहाँ पे। तो ऊपर कितना बचा, ये कितनी बार कटा बच्चों, 25 टाइम कट गया, मतलब कि 3 × 25, और 3 × 25 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75%। इस तरीके से आपको नौवां प्रश्न हल कर देना है बच्चों। बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, समझ समझ के आप समझ लें, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की, जो कि है हमारा 10वां प्रश्न। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, 450 रुपये में, और बेची कितने में, 500 रुपये में। तो देखें आपको खरीदे और बेचने का सिस्टम आपको बता दे रहे, खरीदना क्या होता है और बेचना क्या होता है, ये लिखा था आपके सामने पूरा प्रश्न। देखिए कुर्सी का क्रय मूल्य खरीदा कितने में है, 450 में, और विक्रय मूल्य मतलब बेच दिया कितने में, 500 रुपये में। तो लाभ निकालना है, खरीदा था 450 में, बेच दिया 500 में, तो 50 का लाभ हुआ। तो हम लिखेंगे लाभ का सूत्र, लाभ बराबर होता विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य मतलब 500, क्रय मूल्य मतलब 450, 500 में से 450 गए तो जी आ गए 50 रुपये, आ गए 50 रुपये, 50 का लाभ हुआ उसको। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ जो आया था 50 वो रख दो यहाँ पे, क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदी थी 450 वो रख दिए यहाँ पे हमने, फिर गुणे 100 कर दिए। अब यहाँ पे इसको आप कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे 50 का हमने 100 में गुणा कर दिए तो आ गया 5000, और नीचे 450 था ये तो ज्यों का त्यों। अब देखें आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 5000 बटे 450 हो गया था, एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो ये आ गया कितना, 500 बटे 45। अब हम इसको भी काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो ऊपर बचा 1 और 2 जीरो मतलब 100, 100 बटे 9, और 100 बटे 9 को जब हम हल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हल होगा। 9 का हम 100 में भाग देंगे तो 11.1111 ये आता ही रहेगा, तो हम इसको लिख देंगे 11.1, बार बार आ रहा है तो एक के ऊपर बार का निशान लगा दो, तो ये आएगा हमारा उत्तर 11.1 बार। आप पूरा बहुत अच्छे से आपको इसको लिख देना है, पूरा उत्तर हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए। अब आपको 11वां प्रश्न देखना है। 11वां प्रश्न क्या है, 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखें आप इसका उत्तर, देखें सबसे पहले क्या होता है बच्चों, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, इसलिए 25 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 25000 ग्राम। अब अनुपात बनाना है क्या, 25 किलोग्राम बटे 350 ग्राम, 25 किलोग्राम में कितने ग्राम होगा, 25000 ग्राम, तो ये लिख दिए ऊपर, और 350 तो नीचे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो ऊपर आया 2500, नीचे बचा 35, 2500 और 35 में इसको फिर काटेंगे, 5 से काट दें, 5 25 और 5 7 35, तो ये 5 और ये 2 जीरो, तो 500 बचा ऊपर और नीचे बचा केवल 7। 500 को हम जब 7 से भाग देंगे तो इस तरीके से भाग जाएगा बच्चों, 7 और ये 500 पूरा इतनी टाइम जाएगा भाग, तो उत्तर लिख देना आप 71.428, ये हो जाएगा हमारा आंसर। भाग आप करके देख लीजिएगा, पूरा मैंने आपको बतला दिया यहाँ पे। अब 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न क्या है बच्चों, 3x ऋण y धन 11 और ऋण y ऋण 11 के योग में से, तो पहले आपको क्या करना है, देखें आपको प्रश्न, 3x ऋण y धन 11 और ये ऋण y ऋण 11 के योग में से, तो इनको जोड़ दो आप, सबसे पहले जोड़ दें आप, तो यहाँ जब आप जोड़ेंगे तो देखें क्या होगा, 3x ऋण y धन 11 धन रहा तो ये निशान ज्यों के त्यों खुल गए। अब देखें आप, 3x ज्यों का त्यों, ऋण y ज्यों का त्यों, ऋण y ज्यों का त्यों, धन के 11 और ऋण के 11 कट गए, 3x 3x आ गया, y और y तो 2y, वो भी काहे के बच्चों, माइनस के, तो 3x-2y आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा था, इनके योग में से इतने को घटाना है, तो जो इनका योग आया, ये आया इनका योग, इसमें से इसको घटा दो, घटा दें हम, तो ये घटाए जब तो ये माइनस के 3x होगा, ये माइनस माइनस प्लस के y होगा, ये माइनस माइनस प्लस के 11 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3x धन के और ये 3x ऋण के कट गए, 2y में से 1y गए तो बचे ऋण के y और ये धन के 11, तो ये आ गया हमारा बच्चों उत्तर, ऋण y धन 11। ये हो गया हमारे 12वें प्रश्न का उत्तर। अब हम 13वां प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। 13वां प्रश्न है, 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छे से आप देख लें इसको। देखो 4/9 के समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी थी, तो 4/9 4/9 4/9 4 बार लिख लो, और एक बार 2/2 का गुणा कर दो, एक बार 3/3 का, एक बार 4/4 का, एक बार 5/5 का। 4 का 2 में गुणा करें 4 2 8, 9 का 2 में गुणा करें 18, 4 3 12 9 3 27। समतुल्य में क्या है, देखो ये 8/18 है, अगर इस 8/18 को हम काटेंगे, देखें 4 के पहाड़ से 2 से कटेगा, 2 नाम 2 चौके 8 और 2 नाम 18, तो ये आ गया 4/9। हर बार इनको काटने में ये 4/9 ही मिलेगा। इस तरीके से आप इस 4 संख्या लिख करके अपने उत्तर को आप कवर कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये 4 मान आप लिख दीजिएगा 13वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। देखें इसका उत्तर, ये दिया हुआ है, दिया है क्या, दिया हमें वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया है, तो परिमाप का वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 × a, मतलब 4 × भुजा, 4a बराबर कितना दिया था, 360 मीटर। इसको हम काट दें, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो
जीरो का जीरो, तो ए बराबर आ गया 90 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है पूरा, ए बराबर 90 मीटर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, पार्क का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए की घात 2, मतलब भुजा का वर्ग। तो ए का मान था 90, तो 90 का वर्ग कर दो, 90 का वर्ग हल करोगे तो आ जाएगा 8100 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगाना पड़ता है, तो ये आ गया 8100 वर्ग मीटर। तो ये हमारे 14वें प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 15 की। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 15 ये है, एक विद्यार्थी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1/3/4 घंटे पढ़ता है। बहुत अच्छे से देखिएगा, यदि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ता है तब उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे। थोड़ा सा कठिन सवाल है, देखें आप, बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया है। क्या है, विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक को 1/3/4 अर्थात कितने घंटे पढ़ता, 7/4 घंटे पढ़ता है। ठीक है, अब 7/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 का 4 से भाग दे देंगे तो 1.75 आएगा। मगर आप यहाँ देखो 7/5 आ रहा है, मगर एक घंटे में तो 60 मिनट बस होते हैं, तो ये 0.75 को हम 60 से इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे 0.75 को। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 45 मिनट आ गया। मतलब एक दिन में वो कितना पढ़ रहा है, 1 घंटे 45 मिनट। ये 1 घंटे का 1 घंटे और इसकी जगह हम लिख देंगे 45, तो 45 मिनट पढ़ता है। अब वो एक दिन में 1 घंटे 45 मिनट पढ़ा उसने, वो 6 दिन में उसने पुस्तक ख़त्म कर दी, तो उसने कुल कितने घंटे पढ़ा। तो देखो, एक दिन में कितना पढ़ रहा था, 1 घंटे 45 मिनट, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगा, 1 घंटे 45 गुणे 6 कर दो, इसको जब गुणा करें तो ये आ गया 8.70। फिर वही कंडीशन, यहाँ 70 आ गया, और 70 मिनट तो होता ही नहीं है, 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 0.70 में आप 60 का इंटू कर दो तो आ जाएगा 42, मतलब कि 8 घंटे 42 मिनट, अर्थात 6 दिन में वह पुस्तक को पढ़ने में 8 घंटे 42 मिनट लेगा। ओके, ये हो गया हमारे पूरे इस प्रश्न का, 15वें प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16, हमारा जो आखिरी प्रश्न है। बच्चों, मैं आप लोगों को पूरे पेपर सॉल्व करा दूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जानकारी जरूर शेयर कर दीजिएगा। 16वां प्रश्न देखें, 2 समांतर रेखाएं, ये L थी और ये M थी, दी हुई थी। इसको एक तिर्यक रेखा N काट रही है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न, अंतः कोण बताने हैं। कौन कौन से अंतः कोण, वो होते हैं बच्चों जो अंदर की ओर बनेंगे, इन दोनों रेखाओं के अंदर बनेंगे। तो देखो, एक सी बन रहा है, मतलब आप लिख दोगे सी, एक बन रहा डी, मतलब आप लिख दोगे कोण डी, एक बन रहा एफ, तो आप लिख दोगे कोण एफ, एक बन रहा ई, तो आप लिख दोगे कोण ई। बाह्य कोण जो बाहर बन रहे, तो कौन कौन से बन रहे, बी ए जी और एच, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, बी ए जी और एच, इनके सामने कोण का निशान लगा लीजिएगा आप लोग इस तरीके से। फिर उसके बाद संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से होते हैं जो एक सी डिजाइन में बन रहे। तो देखो, जैसे ये बन रहा सी और यहाँ एक ये बन रहा जी, वैसे यहाँ पे कौन कौन से बन रहा है, डी और यहाँ पे बन रहा एच। इसके अलावा और भी देखें आप, संगत कोण बी और एफ, ए और ई, इसी तरीके से एच के साथ डी बन रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ संगत कोण लिख देना है। अब एकांतर अंतः कोणों का युग्म, एकांतर कोण क्या होते हैं बेटा, एकांतर कोण वो होता है जो कि इस शेप में बनता है, जेड की स्टाइल में। अब यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो एकांतर कोण होगा। तो यहाँ देखें, ये देखो, एक सी और ई, मतलब कौन सा, कोण सी और कोण ई। फिर एक और देखो आप, कोण डी और कोण एफ, कोण डी और कोण एफ, इतना लिख के आप इसको पर्याप्त कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ संगत कोण कौन कौन से बन रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, एफ के साथ बी, ई के साथ ए, फिर जी के साथ सी और एच के साथ डी। तो ये यहाँ लिख देने हैं आपको, मैं लिखा ही दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या, सी कोण सी व कोण जी, माफ कीजिएगा, फिर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कोण डी व कोण एच, जो एक सी डिजाइन में बन रहे हैं। ठीक है, इतना लिख के आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। बच्चों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। हम अगला पेपर लेके बहुत जल्द आपके लिए हाजिर होंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।